सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा व्लॉग 50। आज है हमारा व्लॉग 50। माशाल्लाह से 50 व्लॉग हो गया यार। मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ कि मैंने मतलब डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं 50 डेज से। यार मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि बस क्या बताऊँ, इतनी खुशी। तो आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। तो यार आप लोग मतलब जब आप लोग के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो यार आप लोग भी तो सपोर्ट करो ना। बाकी मैं भी आप सब लोग को सपोर्ट करूँगा। हमारे एक भाई का इंस्टाग्राम पे DM आया था कि आपकी सपोर्ट की नीड है, आप अपना जो है उसमें ब्लॉग में मेरे चैनल का बोल दें। तो ये हमारे एक भाई का चैनल आ रहा है नीचे, ये भाई को जाएँ जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, इनके भी देखें ब्लॉग। ये भी बहुत अच्छे ब्लॉग करते हैं, मैंने खुद देखे इनके ब्लॉग। तो आप लोग भी एक दफ़ा देखें, विज़िट करें इनके चैनल पे और जितना हो सकता है इनको भी सपोर्ट करें। और मुझे तो यार मुझे तो करते रहो बस सपोर्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आने वाले हैं। तो आज है संडे और आज अभी सीन क्या है, आज मैं जब भी घर पे हूँ अभी तक टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 12:30 1-1.5 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी जाना है अम्मी को लेके खाला के घर, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। अम्मी ने सुबह सुबह यार इतनी पहले तो इतनी धूप हो रही है और इस धूप में अम्मी बोली है कि लेके चलो, तो अम्मी को मना तो कर नहीं सकते, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। अच्छा मैंने कैप नहीं लगाया हुआ, तो पॉसिबल है कि मैं आज कैप नहीं लगाऊँ। क्यों? क्योंकि यार मेरे जो है थोड़ा सा ना दिल नहीं चाह रहा, आज विदाउट कैप बनाऊँगा मैं पूरा ब्लॉग। बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अजीब हैं, लेकिन फिर भी काम चला हुआ इसके ब्लॉग में। बाकी ये वाले हमारे भाई ने इंस्टाग्राम पर हमें DM करा, तो लाजमी ये इनका चैनल है, तो जल्दी जल्दी जाके इनको सपोर्ट लाजमी करना है आप सब लोगों ने। ठीक है अभी मिलते हैं आपसे कहीं चल के, खाला के घर चल के पहले अम्मी तैयार हो जाएं, फिर पूछते हैं अम्मी से कि इतनी धूप में क्यों लेके जा रही है। तो यार ये अम्मी रेडी हो गई हैं। और अम्मी यार आप एक बात बताएं कि धूप में आप मुझे बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? काम है खाला का। हाँ जोर से बोला गया खाला के यहाँ काम से जाना है ना मुझे, फिर शाम में मुझे कहीं और जाना है। शाम में भी मुझे? नहीं शाम में पापा के साथ जाना। अच्छा अम्मी मैं ये बोल रहा था आपसे यार, मुझे अगर आप एक कैब दिला देती ना तो मज़ा आ जाता। फुर्सत में निकल, अभी है आपके पास 2-2, 3-3 कैब। नहीं ना वो सारे गंदे हो रहे हैं, अभी तो आज मैंने कैब पहना नहीं, दिला देती नहीं, तो अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो जाओ। फ्रेंड्स मैंने सोचा कैब पहनो ही नहीं, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग में बोलूँगा तो फौरन बोलने की चलो ले लो, बड़ा हरामी हो बेटा। जब मोबाइल का बोल दिया तो वो मोबाइल अलग बात है, कैब क्या चीज़ है। चलो यार अभी चलते हैं वहाँ पे इतनी गर्मी में, पहले तो मैं यार मतलब ग्लासेस लगाओ। कैब नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, मेरे ग्लासेस बहुत हाई हैं। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं यार थोड़ी देर बाद। अच्छा तो यार सीन ये था, मैं आना था खाला के घर पे, आपको बताया भी था धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए ये हमारा तो जानते होंगे यार, ये पहले भी ब्लॉग में आ चुका है। नहीं आए हो हैप्पी बर्थडे करते हुए, वो अपलोड ही नहीं हुआ है। अपलोड है, मैं पागल बनाया भाई, अपलोड है नहीं है ना, अपलोड 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 तुम्हारा चैनल होता था मेरा ख्याल में 8वां नंबर होता था। हां अपलोड है 110% अपलोड है शर्ट का वाला। अगर अपलोड हुआ अपना आईफोन दोगे? अगर नहीं हुआ फिर अपना आईफोन दे दूं। सही है, इतना भरोसा, मैं एक क्लिप मिस नहीं करता यार ब्लॉग में कोई भी। आपने मिस करा है, अब देखें मैंने ना आज कैप नहीं लगाया हूँ ना, बार बार मेरा हाथ जा रहा है बालों की तरफ, मैं इसलिए कैप लगा के रख रहा हूँ। ये डायरेक्ट जो है ना ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है। तो अभी क्या सीन है यार, अभी फिलहाल अभी सोना है फिलहाल, तबीयत सही नहीं है। तो भाई इसको हर टाइम पे सुला लो, बस बस निश्चित को सुला लो, सो जा सो जा। अच्छा तो यार अभी सीन ये है, अभी मैं जा रहा हूँ अब बस यहाँ पर, अब ऐसी थोड़ी देर के लिए अम्मी आई थी तो अब बस यहाँ से निकलते हैं। मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके करता हूँ अदिल को कॉल, अदिल को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं आगे की क्या सीन है क्या सीन नहीं है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। अच्छा तो भाई सीन ऐसा है कि हम अदिल को बुला रहा था और अदिल जो है काफ़ी देर बाद आया, इसने बोला था 4 बजे का। अभी चलते हैं अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अभी चलते हैं जहाँ जाना है हम लोग को, लेकिन ये इसको मैंने बोला था के आना है आपको, इतना बोला करें 3 बजे, 3 से इसने मुझे बोला 4 बजे आऊँगा, 4 बजे के बाद इसने मुझे बोला चल 4:10 पे आऊँगा। या आया वो
फिर मैंने बोला इसको चल ठीक है 4:10 पे, फिर इसने बोला 4:20 पे आऊँगा, सही है 4:20 पे, फिर 4:30, फिर मैंने इसको जो है ना कुछ भी नहीं करा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिया, 4:30 पे स्क्रीनशॉट, 4:40 पे स्क्रीनशॉट, 4:45 पे स्क्रीनशॉट, ये आया 5 बजे, हेलो तुम्हारी यार ये कॉल है, हेलो भाई यार ब्लॉग बन रहा था यार, एक मिनट तो जो 1 मिनट 2 मिनट होते हैं ना, हाँ डनी था यार, मैं बाकायदा उससे बात करके आऊँ खुद यार, मैं मान ही नहीं सकता ये कैसे हो गया। अच्छा एक काम करो आप अल्लाह का भला करे, मगरिब के बाद आओ मेरे पास, सही है ठीक है, भाभी रख दो इधर आ जाओ। क्या हुआ क्या आज नूडल चैलेंज आज करें या कर करें, आज का तो क्या पे ज़्यादा हो रहा है यार, लंबा ब्लॉग हो जाएगा बहुत, है रे करें आज, कैसा लगा मेरा मजाक? लोग बार-बार बोल रहे हैं यार 5 मिनट पानी नहीं पीना, टू एक्स स्पाइसी है, टू एक्स है, हाँ टू एक्स, चलो अभी जहाँ चलना है वहाँ चलते हैं, और रंगी जाना है यार काम से, अभी चलते हैं हम वहाँ पे, एक जगह जाना है काम से, चल के मिलते हैं आपसे वहाँ। हाय गाइस जी, आज मैं फिर आ गई हूँ व्लॉग की एंडिंग करने, और आज मैं ब्लॉग की एंडिंग करने क्यों आई हूँ, अम्मी क्यों आई हूँ? क्योंकि वनैन साहब सो गए हैं, आज सुबह से उठ के उन्होंने बहुत काम किए, काम किए हैं खाला के घर अपने, अम्मी मैंने वैसे आपने उसको ना बहुत ज़्यादा ख्वार करवाया है, तो और कौन करेगा काम, कौन करेगा, सही है, और आज वो बहुत ज़्यादा घूमे शूट वूट के चक्कर में भी निकले हुए होते हैं, उसके बाद आज उनको फिर नूडल्स चैलेंज करना था अदील के साथ, लेकिन अदील ने आज फिर उनको डिच कर दिया, और आज ये ज्यादती है, अदील फिर नहीं आया, मैसेज करा कुछ काम पड़ गए थे, तो हुनैन साहब को गुस्सा आ गया और वो मतलब अदील से नाराज होके वो भी सो गए। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बाबा व्लॉग भी तो एंड कर देना, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ एंड, तो जो आज का चैलेंज था नूडल्स चैलेंज 2x स्पाइसी वो इंशाल्लाह कल होगा, और बस इसलिए मैं व्लॉग एडिट करना ही, वरना कोई मुझे वैसे भी आज संडे था, तो संडे को तो वैसे ही बहुत काम होते हैं, तो बहुत जगहों पे जाना था मेरे साथ भी उसको, तो कुछ थक भी गया था आज, जब मैं आई हूँ अभी बाहर गई हुई थी तो सो ही रहा था, तो उठ के नींद में से बोला एबा व्लॉग एंड कर देना, मैंने बोला भी तुम एंड कर दो, मैं नहीं करी, लेकिन वो माना नहीं, उसने कहा नहीं तुम एंड कर दो, और गुस्से में कुछ ज़्यादा ही थे क्योंकि उनका चैलेंज, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, नहीं हो पाया, और अम्मी ने आज उसका बहुत दिमाग ख़राब किया है, मुझे यहाँ ले चलो, बहुत थक गई हूँ आज, मुझे ये वाली खाला के ले चलो, मुझे वो वाली खाला के ले चलो, हाँ तो लेकिन जाना पड़ेगा, और कौन लेके जाए, मुझे दही ला दो, मुझे पुदीना ला दो, हाँ ज़रूर, नहीं नहीं दही पुदीना नहीं मंगाया मैंने, हाँ क्योंकि क्योंकि उसको अपने साथ लेके घूम रही थी, पूरे कराची क्यों जाती है अपनी बहनों के आप, अब को छू के टक से वापस आ सकता, तुम्हें क्या पता चलेगा इस बात, क्या मतलब तुम्हारी तो बहन ही नहीं है कोई, नहीं नहीं ये वनंशु नहीं है क्या, थैंक गॉड वनंशु है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर पता चलेगा, शादियों वादियों की बातें शुरू कर देती हैं ये बिला वजह, तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, नहीं मैं नहीं थकी हूँ, मैं कभी नहीं थकती हूँ, भले मुझसे जितने भी काम करवा लो, मैं हमेशा अम्मी क्या अम्मी अम्मी तो कुछ भी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत काम करती हूँ, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, मेरे ऊपर ही डाले हुए सारे काम है ना, क्यों मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, 100% गजब बेइज्जती है, जब कोई इज्जत ही नहीं है, और बस फिर चले तो हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने लोगों के साथ आगे शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कल हुनैन साहब की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, वो हंसी खुशी आगे ब्लॉग बनाए, अल्लाह हाफिज़।